आदरणीय सभापति जी, भारत की अर्थव्यवस्था में एक चीजें जो अभी भी बहुत उजागर कम हुई हैं, जिसकी तरफ ध्यान जाने की आवश्यकता है। देश में एक जो बड़ा बदलाव आ रहा है, उसमें हमारे टीयर टू टीयर थ्री सिटी बहुत तेजी से प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स में देखिए, टीयर टू टीयर थ्री सिटी के आ रहे हैं बच्चे। शिक्षा में देखिए, टीयर टू टीयर थ्री सिटी के बच्चे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। स्टार्टअप देखिए, टीयर टू टीयर थ्री सिटी में सबसे ज्यादा स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमारा देश का जो आकांक्षी युवा है, जो तामझाम के बोझ में दबा हुआ नहीं है, वो एक बड़ी नई शक्ति के साथ उभर रहा है। और हमने इन छोटे शहर, छोटे कस्बे, उसकी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ न कुछ प्रगति आए उस दिशा में, बहुत बारीकी से काम करने की दिशा में प्रयत्न किया है। हमारे देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन, इसी सदन में डिजिटल ट्रांजेक्शन के जो भाषण है, भाषण करने वाले भी अपने भाषण निकाल करके पढ़ेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसा बोला था। कुछ लोगों ने तो मोबाइल की मजाक उड़ाई थी, कुछ लोगों ने तो डिजिटल की बैंक बिलिंग की व्यवस्था की, यानी मैं हैरान हूं। लेकिन आज छोटे स्थानों पर डिजिटल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी टीयर टू टीयर थ्री सिटी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रेलवे, हमारे हाईवे, नए एयरपोर्ट, उसकी एक पूरी श्रृंखला। अब देखिए उड़ान योजना, अभी अभी 250वां रूट लॉन्च हो गया, 250 रूट विद इन इंडिया। कितनी तेजी से हमारी हवाई सफर की व्यवस्था बदल रही है और आने वाले दिनों में और अधिक। हमने बीते 5 वर्ष में हमारे पास ऑपरेशनल 65 एयरपोर्ट थे, आज 100 को हमने पार कर दिया है। 65 ऑपरेशनल में से 100 ऑपरेशनल कर दिए हैं। और ये सारे उस नए नए क्षेत्रों को ताकत बढ़ाने वाले हैं। उसी प्रकार से हमने बीते 5 वर्ष में सिर्फ सरकार ने ही नहीं बदली, हमने सोच भी बदली है, हमने काम करने का तरीका भी बदला है, हमने अप्रोच भी बदली है। अब डिजिटल इंडिया की बात करें, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात आए तो पहले काम शुरू तो हुआ, योजना बनी, लेकिन उस काम योजना का तरीका और सोच की इतनी मर्यादा रही कि सिर्फ 59 ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंची थी। आज 5 वर्ष में 1.25 लाख से अधिक गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। और सिर्फ ब्रॉडबैंड पहुंचना ही नहीं, पब्लिक स्कूल, गांव और दूसरे दफ्तरों तक, और सबसे बड़ी बात कॉमन सर्विस सेंटर, उसको भी चालू किया गया है। 2014 में जब हम आए तब हमारे देश में 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3,65,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। और गांव का नौजवान इसे चला रहा है और गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी की सेवाएं दे रहा है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण युवा अपने ही गांव में रह रहे हैं, शाम को माँ बाप की भी मदद करते हैं, खेत का भी कभी काम कर लेते हैं। 12 लाख युवा, ग्रामीण युवा इस रोजगार के अंदर नए जुड़ गए हैं। इस देश को गर्व होगा और होना चाहिए। हमने सरकार की आलोचना करने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह की मजाक उड़ाई, ठीक है। भीम ऐप इन दिनों विश्व का फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म और सिक्योर प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है।
और दुनिया के अनेक देश इस विषय में जानकारी पाने के लिए सीधा संपर्क कर रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात, ये कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है, हमारे देश के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा का परिणाम है कि आज डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए एक उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म हमारे पास है। और इसी जनवरी महीने में सभापति जी, इसी जनवरी महीने में भीम ऐप से मोबाइल फोन से अपना मनी ट्रांजेक्शन 2,16,000 करोड़ रुपए हुआ है 1 जनवरी में। यानी हमारा देश कैसे बदलाव को स्वीकार कर रहा है। रुपे कार्ड, रुपे कार्ड की शुरुआत आप लोगों को पता है, करीब बहुत कम संख्या में, हजारों के तादाद में कुछ रुपे कार्ड थे, और कहते हैं कि शायद ये डेबिट कार्ड वगैरह की दुनिया में 0.6% हमारा कंट्रीब्यूशन था, आज करीब 50% पहुंचा है। और आज रुपे डेबिट कार्ड इंटरनेशनली भी दुनिया के अनेक देशों में उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। तो भारत के का रुपया, भारत का रुपे कार्ड वो अपनी एक जगह बना रहा है, और जो हम सबके लिए गर्व का विषय है।